नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपने मिर्च की खेती दिखलाऊंगी और साथ ही साथ इतने सारे मिर्च को कैसे उगाया जाता है, उसकी मिट्टी कैसे बनाई जाती है, उसके लिए किस तरह का फर्टिलाइजर दिया जाता है और कब कब फर्टिलाइजर दिया जाता है, और साथ ही साथ इतनी सारी मिर्ची को हार्वेस्ट करने के बाद मैंने उन मिर्ची का क्या किया, इन सब का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, लाइक अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है, ये एक बकेट जैसा है और इसमें मैंने इस मिर्ची को लगाया था। लगाया तो था, तो मैंने विंटर में ही, लगता है मुझे मार्च में लगाया था, लेकिन उस समय इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आया और गर्मी के बाद बारिश के मौसम आए, तो वैसे ही इनमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होने लगी और अभी आप देख रहे हैं कि इसमें भर भर कर मिर्ची हुई पड़ी है, बहुत सारी मिर्चें इसमें हैं। तो इतनी सारी मिर्चों को उगाने का क्या राज है, किस तरह से हम इसकी देखभाल करते हैं और कैसी मिट्टी बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये भी दिखलाऊंगी कि मेरे पास कितने तरह की, कितनी वैरायटी की मिर्चें हैं और उन सारी मिर्चों को मैंने कितने बड़े प्लांटर में लगाया है कि इतने सारे फ्रूटिंग कर रहे हैं। इस पर तो मुझे लगता है कि कम से कम 50-100 मिर्च ज़रूर लगी होगी। और ये देखिए, मिर्च बहुत लंबे लंबे तो नहीं हैं, लेकिन पतले पतले हैं और बहुत तीखे मिर्च हैं, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया और काफ़ी ये तीखे हैं। तो हर ब्रांच में इसके इसकी मिर्ची लगी हुई है। तो आइए मैं आप लोगों को और भी दिखलाती हूँ कि और कौन सी मिर्च के प्लांट मेरे पास हैं। ये देखिए दोस्तों, एक ये मिर्च है, इसका रंग थोड़ा सा डार्क है। उस वाले मिर्च का जो मैंने पहले दिखलाया उसका रंग ऐसा था, लेकिन इस मिर्ची का रंग देखिए थोड़ा सा डार्क है। और ये भी इस छोटे से 12x12 के बैग में लगा है, हालांकि बहुत मिट्टी मैंने नहीं दी है, लेकिन इसमें भी हल्के फुल्के प्लांट में बहुत सारे मिर्ची लगी हुई है और अभी बहुत ज़्यादा ये मैच्योर नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत तीखे हैं, क्योंकि इनके बीच से ही मुझे लग रहा है कि इनके इनमें बहुत तीखापन है। और साथ ही यहाँ पर एक मैंने बैंगन का पौधा लगा दिया है, तो देखिए ये भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं और इसमें भी बहुत सारी फ्रूटिंग आपको दिख रही होगी। साथ ही साथ एक मिर्च ये है जो कि एक अलग वेराइटी है, और इसके पत्ते और उसके पत्ते को देख करके आप समझ सकते हैं कि दोनों की वेराइटी बिल्कुल अलग अलग है। तो बीच बीच में जो इसमें वीड्स निकले रहते हैं उसको भी मैं निकालती रहती हूँ। और ये देखिए इसकी मिर्ची ये कैसी है, बिल्कुल डार्क, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं आई है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि दो और प्लांट लगे हुए हैं और ये हैं ग्वारफली के प्लांट, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है। मैं समय समय पर आपको लगता है कि हर वीडियो में ही दिखला देती हूँ कि ग्वारफली के प्लांट पर कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, तो उसी में ये लगे हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तब भी ये फ्रूटिंग पर आ गए हैं और इनमें देखिए बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं और फ्लावरिंग हो रही है। एक मिर्ची का पौधा ये है जो मैंने धनिया वाले प्लांटर में लगा रखा है और इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और इनमें भी छोटी छोटी मिर्चें लग चुकी हैं, आप देख रहे हैं। तो ये हो गया, और कुछ मिर्च मेरे इधर लगे हुए हैं थर्मोकोल बॉक्सेस में, और ये देखिए ये कैसी मिर्चें हैं, बिल्कुल गोल गोल वाली मिर्चें हैं जो ऊपर की ओर दिखती हैं। वैसे तो इन्हें कहा जाता है डेकोरेटिव मिर्च, जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए होती है, लेकिन ये बहुत तीखी होती है। जैसे ही ये थोड़े से मैच्योर होते हैं तो ये इस तरह से डार्क होने लगते हैं। आप देखिए दूसरे प्लांटर में लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, ये ऐसे डार्क हो जाते हैं और जब पक जाते हैं तो ये बिल्कुल रेड हो जाते हैं। तो यदि इन्हें इसी तरह से प्लांटर में छोड़ दिया जाए, प्लांट पर छोड़ दिया जाए, तो बिल्कुल लगेगा जैसे कि मोती खिले रखे हुए हों या फिर कोई बहुत सारा अच्छा सा फ्लावर खिले हुए हों। ये एक ही, और आप देखिए कि ये कितना विशाल पेड़ हो गया है। ये देखिए इसमें नीचे से ही तीन ब्रांच निकल आए हैं और इसमें ये बहुत ही विशाल हो गया है, जबकि इस प्लांटर में एक आप देख रहे हैं कि लॉन्ग बीन लगे हुए हैं, एक और लॉन्ग बीन का पौधा है और साथ ही साथ यहाँ पर एक करेले का पौधा भी लगा हुआ है, और इसके पहले बगल में नेनुआ का था तो वो इस पर चढ़ करके बिल्कुल इसे दबा दिया था, जब मैंने इसे कल ही निकाल दिया, तो अब ये बिल्कुल फ्री फ्री हो गए हैं। तो इतनी सारी मिर्चें हैं और एक मिर्च का पौधा और है, मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ कि ये तो कमाल की मिर्च है। आप देखिए सिर्फ एक पौधा है ये, और ये पूरे थर्मोकोल के बॉक्स में छा गया है, और इसमें तो इतनी सारी मिर्चें हुई है कि मैंने इसके इन मिर्चों को
मैंने बहुत सारा तोड़ करके रखा हुआ, अभी मैं आपको दिखलाऊंगी। और उन मिर्चों को मैं क्या करूंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए जहां मैं हाथ रखूंगी वहीं पर आपको ढेर सारी मिर्चें दिख जाएगी। तो इतनी ये घनी हो गई है कि कभी मिर्चें अंदर से पक जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता। देखिए ये पकी हुई यहाँ पर मिर्च आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो ऐसे ही अंदर में बहुत सारे मिर्चें हैं, मैं आपको दूसरे साइड से दिखलाती हूँ। एक साइड से तो मैंने दिखला दिया और अब इस साइड से मैं आपको दिखलाती हूँ कि यहाँ पर भी कितने सारे इनके मिर्च लगे हुए हैं, ये देखिए। और इतना घना पौधा हो गया, इनकी कैनोपी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सचमुच में भीतर में इनकी मिट्टी कैसी है और कहाँ तक ये फैली हुई है मुझे पता ही नहीं चलता है कि किधर इतनी सारी मिर्चें हैं। देखिए इनके हर डाल पर आपको मिर्च दिखेगी, बहुत सारी मिर्चें इसमें लगी हुई है। जहाँ मैं निकालूंगी वहीं आपको इसकी मिर्च दिख जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी वेराइटी है, इसे मैं नर्सरी से लेकर के आई थी और लाई थी, मैं विंटर में लगाई थी, लेकिन तब उस समय इस प्लांटर में 2-3 कॉर्न के प्लांट लगे हुए थे, तो इसलिए इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही मैं मई में निकाल करके हटा दिया मैंने कॉर्न के प्लांट को, तो उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो गई और अब देखिए कितनी ज़्यादा चौड़ी होकर फैल गई है। आप नीचे नीचे मैं आपको दिखलाती हूँ कि इसमें कितनी सारी मिर्चें हैं। तो सबसे पहले बात आती है मिट्टी की, कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं मैंने अभी यहाँ पर वाटरिंग की है, तो मिट्टी बहुत ही वेलड्रन होनी चाहिए। और साथ ही साथ वेलड्रन तो सारे प्लांटर की मिट्टी होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी न्यूट्रिशंस ज़्यादा होनी चाहिए। यदि हम इसमें 50% गार्डन सॉयल लेते हैं तो 20% हमें इसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग लेना ही होगा। और मैं तो प्रेफर करती हूँ कि मिर्ची के पौधे के लिए काउडंग ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि काउडंग में ज़्यादा नाइट्रोजन होता है और इस प्लांट को नाइट्रोजन रिच मिट्टी चाहिए। आप देखिए सारे जगह में इसकी इतनी मिर्चें फैली हुई है। और मिर्ची में किस तरह के जो बीमारियां लगती है, तो वो ज़्यादातर होता है लीफ कर्ल का। आपको दिख रहा होगा कि मेरे और भी जो यहाँ पर मिर्च के पौधे लगे हैं, जैसे ये पौधे हैं, तो इनकी लीफ में बहुत वेव है। देखिए तो ये इनका ये डिज़ाइन ही है, ये प्लेन, जैसे इनके पत्ते प्लेन होते हैं वैसे इनके पत्ते प्लेन नहीं हैं, इनके पत्तों में वेव बना हुआ है, यही इनकी डिज़ाइन है। तो लीफ कर्ल की बीमारी तो मेरे किसी भी मिर्च के पौधे पर नहीं है, लेकिन यदि लीफ कर्ल की बीमारी हो जाती है आपको, आपके पौधे को, तो आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। और नीम ऑयल यदि आपके पास नहीं है और छाछ है तो आप छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छाछ से बहुत जल्दी रेमेडी हो जाता है। आप एक भाग छाछ लीजिए और 10 भाग पानी लीजिए, अच्छी तरह से मिला करके और उसे पौधे पर स्प्रे कर दीजिए, तो इससे बहुत ही अच्छी इनकी फ्रूटिंग होगी और प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा। साथ ही साथ मिर्च के पौधे के लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि इनके पौधे को हमेशा मॉइस्चर चाहिए। इन्हें भीगा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। यदि इनकी मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो प्लांट में कोई ना कोई बीमारी लग सकती है और इनकी फ्रूटिंग अच्छी नहीं होगी। तो वही गोल वाले मिर्च की एक और पौधे यहाँ पर हैं। यहाँ भी देखिए कितने सारे मिर्च इसमें लगे हुए हैं। तो इसमें मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है और बस इसमें और कोई बीमारी नहीं लगती है, बस लीफ कर्ल हो जाता है और यही इसकी बीमारी है। मतलब उसमें वो इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, या फंगस तो नहीं कहेंगे, इंसेक्ट का अटैक ही होता है जिसके कारण इनके लीफ कर्ल हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन सी बीमारी है, लेकिन इसका रेमेडी बहुत आसानी से हो जाता है। या तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए या फिर छाछ का स्प्रे कीजिए, वो बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितने सारे मेरे मिर्च के पौधे बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ कि मैंने कितने सारे मिर्चें हार्वेस्ट कर ली है और अब मैं उन मिर्चों का क्या करूँगी। तो आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों इतनी सारी मैंने मिर्ची आज फिर से हार्वेस्ट कर ली है, ये हरी हरी तीखी तीखी मिर्ची। ये देखिए दोस्तों मैंने इतनी सारी ग्वार फलियाँ हार्वेस्ट कर ली हैं, ये और फिर मैंने तोड़ लिया। ओए
सारे बिखर गए। तो देखिए मैंने आपके साथ बिल्कुल, अब अंधेरा अंधेरा होने को है, मैंने इतनी सारे ग्वार की फलियां हार्वेस्ट कर ली हैं। तो इतनी सारी मिर्चें और इतनी सारी ग्वार की फलियां आज हमने हार्वेस्ट किया की थी। और अभी दो दिन पहले मैंने इन सारे पौधों की गुड़ाई करके और इसमें फर्टिलाइज़र डाला है, क्योंकि काफ़ी जड़ें हो गई थी और जब बारिश, अब अगले महीने बहुत तेज से ज़्यादा बारिश होने लगेगी तो फर्टिलाइज़र नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि भादो के महीने में बहुत बारिश होती है, बादल भी नहीं दिखता है, मिट्टी काफ़ी गीली गीली होती है, तो वैसे में इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डाला जा सकता। तो अभी दो दिन पहले मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला है और उसके बाद भी देखिए बहुत अच्छी से ग्रोथ हो रही है। तो फर्टिलाइज़र से इनमें नई जान आ जाएगी, लेकिन वैसे मेरे पौधे बहुत स्वस्थ हैं और किसी तरह से इनमें कोई लीफ कर्ड वाली बीमारी नहीं हुई है। उसका मैंने क्या किया है, सारे मिर्चों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिए और अब उसके अचार के मसाले के लिए मैंने यहाँ पर हींग, जीरा, मेथी, सरसों, अमचूर, ये सारे मसाले लेकर के मैंने उन्हें भून दिया है। सरसों को नहीं भूना है और फिर इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके, और अब देखिए इन सारे मिर्चों की मैंने अचार बना दी है। तो ये सारे मसाले मैंने इनमें मिला दिया और कितना टेस्टी अचार बना है आप इन्हें, और साथ साथ मैंने थोड़े से इसमें कलौंजी भी डाली है, अजवाइन और मंगरेला, और थोड़ा सा नमक, थोड़ी हल्दी, और उसके बाद अंत में सरसों का तेल, इन सबको मिलाकर मैंने बड़े ही अच्छे अचार बना दिए। थोड़ा सा मैंने विनेगर डाला है, नींबू भी आप डाल सकते हैं, विनेगर नहीं हो तो आप इनमें नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू का रस निकालकर आधा कप नींबू का रस डाल दें, और नींबू का रस नहीं निकाल सकते यदि आपके पास व्हाइट विनेगर है तो 2 से 3 चम्मच व्हाइट विनेगर डाल दीजिए। इस तरह से ये अचार बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये बन गई हमारी मिर्चों की अचार, अपने ही गार्डन से मिर्च तोड़कर और उनका अचार बना देना, तो ये बहुत अच्छे होते हैं कि हमारे अपने घर में ही ये सारी मिर्चें मिल जाती है जिससे कि हम अचार बना सकते हैं। तो मैंने बना दिया है ये, तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मिर्च का अचार, मिर्ची की अचार कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो महसूस कीजिएगा उसका स्वाद। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मैं वीडियो एंड करती हूँ। ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। थैंक यू।